हेलो दोस्तों, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आज का वीडियो है ऑटो रिक्शा की फ्लोरिंग। तो ये फ्रंट फ्लोरिंग है दोस्तों, ये टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक एलपीजी सीएनजी या फिर पेट्रोल कोई भी ऑटो हो तो ये खर्चा आपको सभी को आता है। तो दोस्तों ये 5 से 6 साल या 10 साल होने के बाद ये प्रॉब्लम आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि बैटरी का पानी, ब्रेक ऑयल, धूल मिट्टी और मानसून या मतलब बारिश, तो ये चीज़ें होती रहती है और ये ख़राब होता है। तो कम खर्चे में आपके लिए और ज़्यादा लंबे समय तक बचने के लिए आज का वीडियो है। तो दोस्तों वेल्डिंग का काम पूरा होने के बाद सबसे पहले आपको ऑटो अच्छे से धो लेना है। धूल मिट्टी, ग्रीस, ऑयल, ये सब चीज़ें क्लीन करने के बाद खिली धूप में ऑटो को अच्छे से सुखा लेना है। सूखने के बाद दोस्तों ध्यान देना है धूल मिट्टी ना होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको लेना है कपड़े धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू झटका किया, भूखा रहा, बगर बगर घर की बात कभी बाहर नहीं जाने दी। कलर, ये थिनर आधा लीटर, उसके बाद कलर है प्राइमर कोट और ब्लैक कलर, और उसके बाद आपको चाहिए खाली डब्बा और ब्रश। इसके अच्छे से घोल मिलाना है, आपके मुताबिक इसको कलर का एक कोट मारना है। उसके 2 या 3 घंटे बाद फिर एक कोट मार देना, मतलब दोबारा से ऐसा ही कलर मार देना है सूखने के बाद हो। तो आगे चलते हैं स्प्रे पेंट। यह है ब्लैक कलर, आपका ऑटो किस कलर का है उस तरह का ही स्प्रे लेना है। तो इसकी कीमत ही बहुत ही कम है दोस्तों। तो यह इसको आधे फीट की दूरी से स्प्रे को चेक करने के बाद ही यूज़ करना। तो दोस्तों यह ध्यान देना है खिली धूप हो तभी इसे यूज़ करना है। ठंडे समय में या ठंडे माहौल में ये कलर नीचे इसके कलर छूट जाता है या फिर अच्छे से नहीं लग पाता, ये ध्यान देना है दोस्तों। आपके ज़्यादा पैसे हो तो आप कलर पेंट के पास जा सकते, कलर जो कारपेंटर है जो कलर का काम करता है उसके पास भी जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों यह ऑटो रिक्शा ज्ञान और मैं हूँ अनिल बागुल। तो दोस्तों यह रेड वाला बटन दबाना है और बेल आइकन दबाना है, आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अभी धूप खिली हुई इसलिए हर जगह जहाँ जहाँ कलर निकल चुका है। तो दोस्तों गाड़ी जैसे 8 से 10 साल पुरानी होती जाती है तो ये भी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो दोस्तों यहाँ कलर छूट जाए तो कलर मारने से क्या होता है, गाड़ी की लाइफ और बढ़ जाती है या जंग नहीं लगता है और गाड़ी दिखने में भी अच्छी लगती है। तो पूरा पेंट करने के बजाय जहाँ जहाँ निकला है वही उसको स्प्रे पेंट, जो ब्लैक कलर का ग्लोसी कलर है वही मारने वाला हो। तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। पर दोस्तों ये आगे और भी बड़ा वीडियो बनाने वाला हो तो फिलहाल बड़ा सा रेड बटन है। ये शॉर्ट वीडियो बनने की जगह मैं उसको मेरे हिसाब से बनाया है, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना और कहाँ पहुँचा यह भी बताना है। ऑटो रिक्शा ज्ञान और मैं अनिल बागुल। तो दोस्तों यह आपको दिख रहा है कलर अच्छे से हो रहा है और स्प्रे पेंट इस तरह इसका यूज़ होता है। तो इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम खर्चे में होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ऑटो जिस तरह कलर निकल जा रहा है वहाँ इस तरह स्प्रे जहाँ यूज़ कर लेना है। तो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट।